अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद हीरा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आजकल अल्लाह ताला के नामों पर वीडियोस बना रही हूं ताकि अल्लाह ताला के नाम आप लोगों को याद करने में आसानी हो। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब तक हम उसको अपने वर्ड्स में या थोड़ा सा उसको जब हम अपने आप को वो एक्सप्लेन ना कर दें तो याद करने में मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा हर नाम को एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोग उसको ईज़िली याद कर सकें। तो अभी तक मैं अल्लाह ताला के 21 नामों पे बात कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह की। वहाँ मैंने सीक्वेंस के साथ अल्लाह ताला के नामों पर बात की हुई है। आप लोग वो वीडियोज़ देख लें, सीक्वेंस से देखें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के 22वें नाम से और देखते हैं जितने भी नाम कवर होते हैं। पहले तो मैं एक एक नाम को कवर कर रही थी, सिंगल वीडियोज़ बना रही थी, तो अब बल्कि मैंने सोचा है कि मैं एक ही वीडियो में मैक्सिमम नाम कवर कर दूँ ताकि आप लोगों को सुनने में आसानी हो। एक ही वीडियोज़ में आप लोगों को दो तीन नाम जो है वो कवर कर दूँ। और एक और बात ये थी कि अल्लाह ताला के इतने नाम आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि वो सारी अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान की हुई हैं अल्लाह ताला के नामों में। तो इस तरह के जो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड नाम हैं वो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आज से हम बात करेंगे अल्लाह ताला के 22वें नाम से। अल्लाह ताला का जो 22वां नाम है और जो 23वां नाम है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, जो कि हैं अल-खाफिद अर-राफ़ी। इनका क्या मतलब है? पस्त करने वाला या बुलंद करने वाला। अब अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात हैं जो कि अगर आपको इज़्ज़त है, अगर आपको इज़्ज़त मिली हुई है तो वो उस अल्लाह ताला की वजह से है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। आप चाह कर भी अपने आप को इज़्ज़त नहीं दिलवा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह ताला ही वही ज़ात है जो आपको पस्त कर देती है। अब हम पस्त कैसे होता है, कोई इंसान जलील कैसे होता है अपनी ज़िंदगी में? जब वो बुरा माल करता है। और जब कोई बुरा माल करता है तो अल्लाह ताला ही है जो कि इंसान को इज़्ज़त देने वाला है और जलील करने वाला है। जो पुराने ज़माने में जो बड़े बड़े बादशाह थे जिनकी बहुत इज़्ज़त थी अपने ज़मानों में, लेकिन उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, तो अब आके हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं बल्कि हम उनको कितना जलील करते हैं। क्यों? हालाँकि वो तो इतने अमीर थे, इतने इज़्ज़त वाले थे, लेकिन जब उन्होंने बुरा माल किए, अल्लाह ताला के लोगों को तंग किए, अल्लाह ताला के बंदों को उनके हकूक नहीं दिए, तो अल्लाह ताला ने उनको जलील किया। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है क्योंकि अल्लाह ताला के पास ये पावर है कि वो आपको इज़्ज़त दे या आपको जलील करे। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला का नाम था 24वां और 25वां, जो अल्लाह ताला के ये दोनों नाम हैं जो हैं अल-मुइज़ अल-मुइज़िल, इन दोनों का मतलब ये है, ये इज़्ज़त देने वाला और जलील करने वाला। यही मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है जो आपको इज़्ज़त देती है, जो आपको रुसवा कर देती है आपके माल की वजह से। पहले वालों का मतलब भी ऐसे ही था, बुलंद करने वाला या आपको पस्त करने वाला, आपको इज़्ज़त देने वाला, आपको ऊंचा मुकाम देने वाला या इज़्ज़त देने वाला। आप देखें ये सारे नाम आपस में इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन हर नाम की एक अलग ही जो है वो इम्पोर्टेंस है कि हाँ एक बंदा है। अगर कोई हम किसी बंदे को कहें जी कि हाँ उस वो बंदा सबको इज़्ज़त देता है, तो जो बंदा सबको इज़्ज़त देगा उसकी कौन इज़्ज़त करेगा? उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ से इज़्ज़त देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जब तक इंसान को इज़्ज़त नहीं देता इंसान इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ही वही ज़ात है जो आप पर रहम करती है, आपको इज़्ज़त देती है, आपको इतनी सारी नेमतें देती है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास पावर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।